हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर ग्रामर एंड इंग्लिश एजुकेशन। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्वेश्चन टैग्स। ओके, सो इन इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन टैग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो लेट अस सी व्हाट इज़ अ क्वेश्चन टैग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जान लेना पड़ेगा कि क्वेश्चन टैग कहाँ पर यूज होता है। Generally, in English language, you have topics like transformation of sentences. Okay. So, जब transformation of sentences रहता है, so you are often asked to use question tag. Okay, कभी कभी transformation में भी ये चीज आता है, कभी कभी you also get this particular thing in form of fill in the blanks also. Okay. So, this question tag topic is valid for your class 5, 6, 7, 8, 9, 10, even 11, 12, in classes 11, 12 also, you may get transformation of sentence following your, means using question tags. Okay, so first let us see how question tags are used or what is a question tag. First let us see what is a question tag. So, dekho, main socho ek sentence likh raha hun. I have eaten a chocolate. Okay, I have eaten a chocolate. Now, if you are asked to use question tag, how you will change the sentence? Use question tag. I am writing Q tag. Okay, so it means question tag. तो जब तुमको बोलेगा कि इसको क्वेश्चन टैग लगा के चेंज करो तो कैसे करना है, इट्स वेरी इजी। ओके, फर्स्ट सी, फर्स्ट यू विल राइट आई हैव ईटन अ चॉकलेट। यू विल राइट दिस थिंग, दिस फुल सेंटेंस एज इट वाज गिवन इन योर क्वेश्चन। ओके, ओके, फर्स्ट स्टेप, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो, फिर एक कॉमा दो, फिर यहां पर जो चीज तुमको नोट करना है वो चीज है यहां का हेल्पिंग वर्ब। यहां का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। तो हैव तुम्हारा पॉजिटिव में लिखा है, इसका नेगेटिव जस्ट लिखना है। कैसे, हैवंट आई, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जो ये लास्ट में हैवंट आई लिख के क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, दिस इज एक्चुअली योर क्वेश्चन टैग। ओके, तो इसका करने का फिर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही है कि तुमको सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, यू हैव टू सी वेदर दैट हेल्पिंग वर्ब इज इन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, दिस इज एग्जांपल वन, लेट अस टेक एग्जांपल टू, ध्यान से सुनो। एग्जांपल टू में चलो करते हैं, आई वॉज having an ice cream. Okay, full stop. अब इसी में भी सोचो, तुमको सेम इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यूज क्वेश्चन टैग। कभी कभी दे देता है कि यूज क्वेश्चन टैग एंड समटाइम्स दे गिव अ ब्लैंक, ठीक है, एक डैश दे देता है, यू हैव टू फिल इट। तो इसमें क्या करना है, मैंने जैसे बोला फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब। You already know what is a helping verb. Okay. तो देखो, helping verb में क्या है, was. तो ये was क्या form में है, positive form में है, ठीक है। तो हम लोग इसको change कैसे करेंगे, first full लिख लेंगे, I was having an ice cream. Then give a comma. तो was का negative क्या होगा, wasn't. Wasn't, और ये जो I है, I फिर से आ जाएगा, wasn't I. So this is your question tag. तो जब भी तुमको question tag देगा, अगर तुमको fill in the blanks दे, तभी भी वही formula में करना है। अगर तुमको change into question tag बोले, तभी भी तुमको same formula में करना है। So these are the two variations I have given. Okay, let us see a few more examples. क्योंकि sentences के साथ साथ इसको समझने में कभी कभी confusion हो जाता है. Okay. So let us see a few more examples so that you can understand the concept fully. Okay,
इट्स वेरी इजी, जस्ट लास्ट वर्ड अगर तुमको समझ में आ जाएगा तो तुम फुल मार्क्स इसमें स्कोर कर पाओगे. ओके तो चलो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल 3 देखते हैं. देखो, आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. I wasn't prepared for the exam. Full stop. इसमें भी हम लोगों का instruction है कि use question tag. चलो इस बार sentence पूरा नहीं लिखने बोले, हम लोगों को दे दिए blank and a question mark they have given. And they have asked to, in your question paper, they may ask to fill in the blanks. Okay, so how you will do? First you will see the helping verb as I taught you. तो यहाँ पर helping verb क्या है? Wasn't. But, यहाँ पर चीज़ note करो. ये wasn't है, मतलब ये negative में है. पहला वाला हम लोग क्या देख रहे थे? जितना पॉजिटिव था हम लोग उसको नेगेटिव में किए. अब यहाँ पर वॉजेंट नेगेटिव में है बिकॉज नॉट इज देयर. ओके, नॉट थाकले এটাকে নেগেটিভ ধরতে হবে, নট না থাকলে এটাকে পজিটিভ ধরতে হবে. তো যখন এখানে নেগেটিভ আছে নট, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, দ্য কোয়েশ্চেন ট্যাগ উইল বি পজিটিভ, ওয়াজ আই. ওকে, আই ওয়াজেন্ট প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য এক্সাম, ওয়াজ আই. সো ইন দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু ডু. লেট আস সি One more example. This is different. अगर सोचो तुमको ये helping verb ही नहीं दिया है तो कैसे करोगे? Example 4. देखो, I broke the glass. ठीक है, dash दे दिया है, question mark दे दिया है. Question mark दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है. अगर नहीं देता है तो तुमको put करना होगा. तो देखो, मैंने फर्स्ट कुछ एग्जांपल्स में बताया कि हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब देखो, वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव में करो, वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में करो. अब देखो, ये तो ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, इट्स द मेन वर्ब, नो इज नो वॉज, तो कैसे करोगे? देखो, अब तुमको ये सेंटेंस में तुमको देखना होगा कि वेदर दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव और नॉट, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है कि नहीं. आई ब्रोक द ग्लास, ओके, सो इट्स इन पॉजिटिव. क्लियर? सेकेंड पॉइंट व्हाट यू हैव टू सी, द टेंस. तो यहां पर ब्रोक जो है दैट इज गिवन इन पास्ट. क्लियर? आई ब्रोक द ग्लास पॉजिटिव में है, पास्ट में है, तो पास्ट का जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आएगा यू हैव टू यूज डिड. तो एज इट्स पॉजिटिव वी हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव. ओके, डिडंट आई. क्लियर? आई ब्रोक द ग्लास, डिडंट आई. अगर सोचो ये सेंटेंस ऐसा रहता, I did not break the glass. Break the glass. तो देखो, तब तो तुम लोगों को इजीली समझ में आया था कि यहां पर did not है, मुझे यहां पर did I करना पड़ेगा. But अगर सोचो कभी helping verb नहीं रहता है, then you have to see whether the given verb is in present or past. If it's in present, then I will means solve one example for that thing. If it's in past, then you have to use didn't I. Okay, so let's take the case of present. एक साथ अगर हम लोग उसको समझ लेते हैं तो हम लोग के लिए easy होगा. ठीक है, तो देखो present में कैसा sentence आ सकता है. ओके, तो चलो अगर हम लोगों का सेंटेंस ऐसा है तो उसमें कैसा होगा देखते हैं. एग्जाम्पल 5. सी एग्जाम्पल 5 में क्या है. आई राइट एसेज कॉमा एंड इफ दे गिव यू अ ब्लैंक एंड आस्क यू टू फिल इट विथ यूजिंग क्वेश्चन टैग. ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू Do it. Let us see. तो देखो यहाँ पर write है. मैंने जैसे बोला कि अगर तुमको have, has, had ये सब नहीं मिलता है कोई helping verb, तो तुमको main verb को ही देखना होगा. So the main verb here is write. I write essay. It is given in positive sense. Okay. Write is in which tense? It is in present tense. Okay. तो जैसे past tense के लिए मैंने बोला था broke था तो हम लोगों ने किया didn't. यहां पर क्या होगा? डोंट आई. आई राइट एसेज, डोंट आई. ओके, अगर
सोचो ये वाला यहां पर ही हो जाता, ही राइट्स एसेस, तब क्या करते हैं हम लोग, देखो ये भी प्रेजेंट है, सिर्फ यहां आई के जगह में ही चेंज हुआ, देन वी हैव टू चेंज इट इनटू डजंट आई, सॉरी डजंट ही। तो देखो फिर से मैं एक बार क्लैरिफाई कर रहा हूं, हो सकता है तुम लोग यहां कंफ्यूज हो गए होंगे। सो फर्स्ट सी, इफ यू हैव पास्ट एंड दैट टू इन पॉजिटिव, देर इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज यूजिंग डिडंट, ओके। बट इफ यू हैव प्रेजेंट, ओके, इन केस ऑफ प्रेजेंट यू हैव टू ऑप्शंस, डोंट एंड डजंट। नाउ डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज इट, ही के साथ डजंट यूज होता है, आई के साथ डोंट यूज होता है, ओके। अब किसके साथ क्या यूज होता है मैं उसको एक बार बता देता हूं, होपफुली यू आर क्लियर विद दिस थिंग्स, ओके। देखो मैं पास्ट का यहां पर मिटा दे रहा हूं बिकॉज आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द पास्ट वन। पास्ट वन इज वेरी इजी, उसमें सिर्फ डिड या डिडंट उसका ही रहता है, ठीक है, उसमें डू डज का कोई मैटर नहीं है, उसमें डिड या डिडंट रहता है, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन यहां पर डोंट और डजंट का मैटर है, तो उसको कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। देखो अगर ही शी राम एनी नेम इफ यू हैव देन यू विल यूज डज, ओके। लेकिन अगर सोचो है आई वी यू दे देन यू विल यूज डू, ओके। अगर सोचो एक कुछ चीज है कैट, देन यू हैव टू यूज डज, अगर है प्लूरल कैट्स देन यू हैव टू यूज डू। तो प्रेजेंट टेंस के टाइम में तुमको थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना होगा और उस हिसाब से डोंट या डजंट तुमको यूज करना होगा, ओके। बट दिस थिंग विल ओनली कम व्हेन देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब रहने से सबसे इजी है, इज है तो इजंट हो जाएगा, आर है तो आरंट हो जाएगा, ओके, हैजंट है तो हैज हो जाएगा, हैवंट है तो हैव हो जाएगा। सो उसमें क्या होता है, तुम्हारे पास लिखा रहता है, तुम पॉजिटिव टू नेगेटिव इजिली कर सकते हो। बट इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखा नहीं है बोल के वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब इन द क्वेश्चन टैग, बिकॉज इन द क्वेश्चन टैग यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब ओनली, ओके, वेदर इट इज गिवन ओवर हियर और नॉट। इफ इट्स गिवन ओवर हियर देन इट्स इजी टू फाइंड आउट, इफ इट्स नॉट गिवन ओवर हियर देन रिमेंबर दिस थिंग व्हाट आई हैव टॉट, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो।